हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के हजार्ड्स और उसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के बारे में। तो ऑयल रिफाइनरी या फिर जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्लांट है जहां पर पेट्रोलियम यानी कि जो क्रूड ऑयल है उसको ट्रांसफॉर्म और रिफाइन किया जाता है यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, जैसे कि गैसोलीन हो यानी कि पेट्रोल हो, डीजल फ्यूल हो, एस्फाल्ट बेस हो, फ्यूल ऑयल्स हो, हीटिंग ऑयल हो, केरोसिन हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो यानी कि एलपीजी हो और पेट्रोलियम नैप्था हो। हमारे हर दिन की जो दिनचर्या होती है उसमें नेचुरल गैस और ऑयल का जो है काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम दोनों ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इसको अगर हम कंबाइन करते हैं साथ में, तो ये जो है ये 86% ग्लोबल एनर्जी डिमांड हो जाती है। पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस का यूज करके जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, खास तौर से फ्यूल, जैसे कि डीजल फ्यूल हो या फिर पेट्रोल हो। चलिए अब जानते हैं ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के हजार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहला कॉमन हजार्ड है वो है फायर एंड एक्सप्लोजन। तो अब ये फायर एंड एक्सप्लोजन कैसे होता है, तो वहां पर जो भी फ्लेमेबल लिक्विड हो या फिर गैसेस हो वो अगर वहां पर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से फायर या फिर एक्सप्लोजन हो सकता है। और इस फायर एंड एक्सप्लोजन में अगर कोई टॉक्सिक केमिकल्स हो या फिर गैसेस हो, ये भी अगर वहां पर इनकाउंटर अगर हो जाता है, तो यहाँ पर एडिशनल जो रिस्क है वो यहाँ पर क्रिएट होती है, जैसे कि बर्न्स हो गया, एस्पिसिएशन हो गया, कैंसर हो गया या फिर सिस्टम कोरोजन। रिफाइनिंग प्रोसेस में जो है अलग तरह के जो भी हजार्डस मटेरियल है वो वहां से बाहर निकलते हैं, तो वो जो हजार्डस मटेरियल है इसको फिर बाद में एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, तो ये भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि हेल्थ एंड हाइजीन जो हजार्ड है उसको भी कंसिडर करना काफी जरूरी होता है, और ये एयर कंटेमिनेंट की वजह से होता है, क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस का जो रूटिंग पार्ट होता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या फिर ऑयल एंड रिफाइनरी में जो भी अनएक्सपेक्टेडली जो भी स्केप होता है उसकी वजह से भी हेल्थ एंड हाइजीन जो हजार्ड है वो क्रिएट होता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल में ही थाउजेंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और अदर केमिकल्स होते हैं, जिसमें से अगर ज्यादातर अगर एक्सपोजर अगर होते हैं तो उसकी वजह से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है, या फिर कोरोसिव बर्न भी हो सकता है या फिर एस्पिसिएशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है कन्फाइन स्पेस में काम करना, और ये जो कन्फाइन स्पेस का जो काम है वो रिफाइनरी में ज्यादातर होता ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिएक्टर्स के वेरियस ऐसे कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि टैंक्स हो, वेसल्स हो या फिर डक्स हो, तो ये जो है ये रिफाइनरी के इन्वायरमेंट में ज्यादातर मिलते ही है। और अगर हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो वर्कर जो है वो ज्यादातर कन्फाइन स्पेस में काम करते वक्त जो है उनकी जान चली गई है, क्योंकि वहां पर जो है उन्होंने नेसेसरी जो प्रिकॉशंस वहां पर लेने चाहिए थे वो वहां पर नहीं लिए गए थे, और कन्फाइन स्पेस में जब भी वो इंटर करते हैं तो वहां पर जो है एप्रोप्राइट इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो जिसकी वजह से वर्कर लोगों का ज्यादातर कन्फाइन स्पेस में जो है डेथ हुई थी। तो इसलिए कन्फाइन स्पेस में काम करना ये भी काफी हजार्डस होता है। अब कन्फाइन स्पेस में जो पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं, जैसे कि वहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है और हो सके तो वहां पर H2S गैस भी मौजूद हो सकती है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है हॉट वर्क ऑपरेशन। अब हॉट वर्क ऑपरेशन में आता है जैसे कि वेल्डिंग हो, कटिंग हो, ग्राइंडिंग हो, ब्रेजिंग हो, सोल्डरिंग हो, या फिर कोई भी ऐसा वर्क कि जिसमें पोटेंशियल्स है कि जिसकी वजह से स्पार्क हो, हीट हो या फिर हॉट जो स्लैग है वो क्रिएट हो सकता है, और उसकी वजह से उसके नियर बाय में अगर कोई कम्बस्टेबल या फिर फ्लेमेबल मटेरियल अगर है तो वो इग्नाइट हो सकता है। तो हॉट वर्क ऑपरेशंस में जो पोटेंशियल हजार्ड्स आते हैं, जैसे कि H2S हो या फिर फ्लेमेबल गैसेस हो, ये अगर वहां पर मौजूद है तो इसकी वजह से जो है काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो सारे हजार्स है इन सभी का सामना आपको करना पड़ सकता है जब भी आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में काम करने के लिए जाते हो। चलिए अब जानते हैं कि ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में जब भी हम काम करते हैं तो वहां पर हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फिक्स और पोर्टेबल जो गैस डिटेक्शन सिस्टम है जो काम करता है फ्लेम डिटेक्शन सिस्टम के साथ में, तो ये काफी इसेंशियल्स होता है, क्योंकि इसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर हजार्स को अगर डिटेक्ट किया जाता है तो वर्कर लोगों को जो है उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सेफ्टी गियर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट हो।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पूरे रिफाइनरी के लोकेशंस में जो है फिक्स गैस और जो फ्लेम डिटेक्शन जो सिस्टम है उसको लगाया जाता है, ताकि कोई भी फ्लेमेबल या फिर टॉक्सिक जो गैसेस है उसमें अगर कोई भी अगर लीकेज होता है या फिर स्पिल्स होता है तो उसको हम उसकी मदद से डिटेक्ट कर पाए। फिर उसके बाद है पोर्टेबल गैस डिटेक्शन सिस्टम। तो जो भी पोर्टेबल गैस डिटेक्टर होता है उसको वर्कर के द्वारा या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है वो पहना जाता है, और उसका एग्जैक्ट जो यूजेस है वो डिपेंड होता है रिफाइनरी के स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसके ऊपर। खास तौर से ये जो गैस डिटेक्टर्स है इसको जो है हमें पहनना है किसी भी जोन में, और हमें हर एक जो जोन है उसको कंसिडर करना होता है कि वहां पर पोटेंशियल हजार्डस हो सकता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कन्फाइन स्पेस का, यानी कि यहाँ पर जो है हमें पोर्टेबल और जो ट्रांसपोर्टेबल जो गैस डिटेक्टर्स है जैसे कि मल्टी गैस डिटेक्टर्स हो उसको कन्फाइन स्पेस में जो है हमें एम्प्लॉय करना होता है, ताकि हम वहां पर स्पेसिफिक जो भी रेगुलेशंस है उसके साथ में जो कम्प्लाई है वो कम्प्लीट कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर हॉट वर्क या फिर उसके एसोसिएटेड में जो भी इक्विपमेंट है उसको अगर हम हजारस एरिया के अगर बाहर में उसको सिचुएटेड नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके बाहर में अगर काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है हमें अप्रोप्राइट जो भी प्रिकॉशंस है वो वहां पर लेना काफी जरूरी है, क्योंकि उसके जरिए जो है हम वहां पर सेफ्टी इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हजारस जो वर्क एरिया है उसके नजदीक में ही हॉट वर्क का काम अगर करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि वो जो हजार्डस एरिया है उसमें जो है आपको पार्टीशंस करना होगा, ताकि हॉट वर्क की वजह से जो भी स्पार्क वहां से जनरेट होता है वो हजार्डस एरिया में ना जाए, या फिर रिफाइनरी में कोई अगर हजार्डस मटेरियल हो या फिर कोई अगर वॉल हो तो उसके ऊपर जो है हमें फायर ब्लैंकेट इस तरीके से डालनी है कि वहां पर हॉट वर्क के जरिए निकलने वाला जो भी स्पार्क है उसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हॉट वर्क को स्टार्ट करने से पहले उस एटमॉस्फेयर में हमें गैस डिटेक्टर के साथ में वहां पर मॉनिटरिंग करना काफी जरूरी होता है, और ये हमें पूरे काम के दौरान जो है वहां पर उसका रेगुलर रीअसेसमेंट करते रहना है। हॉट वर्क का काम अगर आपको कन्फाइन स्पेस के अंदर अगर करना है तो उसके लिए जो है आपको जो भी रिलेवेंट कन्फाइन स्पेस रेगुलेशंस है उसको भी फॉलो करना काफी जरूरी होता है। तो ये जो सारे प्रिकॉशंस है ये आप ले सकते हो जब भी आपको ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में काम करना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के हजार्स के बारे में और उसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एचएससी स्टडी गाइड को सपोर्ट करना चाहते हो और हमारा जो मनोबल है वो और भी बढ़ाना चाहते हो, तो अभी जो है हमें यूट्यूब की तरफ से जो है अभी ये जो थैंक्स का बटन आप यहाँ पर देख रहे हो जिसे सुपर थैंक्स कहते हैं, ये अभी हमें मिल गया है। ये सुपर थैंक्स के ऊपर क्लिक करके जो है हमें जो है आपके हिसाब से जो है सपोर्ट कर सकते हो। तो जैसा चाहे वैसा आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हो और हमारा जो मनोबल है वो और भी बढ़ा सकते हो, ताकि हम एचएससी रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो और भी ज्यादा आपके लिए लाते रहें।